नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज। करीब 2.5 साल पहले राजस्थान के भादरा तहसील के अंतर्गत पड़ने वाले गांव डूंगराना के अंदर गौशाला में एक बड़े सत्र के गबन का आरोप लगा था और एक पंजाब के शख्स पर यह आरोप लगाया गया था। उस शख्स का नाम है सुरजीत सिंह दीवान। सुरजीत सिंह दीवान पिछले 2.5 साल से जेल में थे, लेकिन वो 2 दिन पहले ही जेल से बाहर आए हैं और ऐसे में आज फिलहाल वो हमारे साथ हैं। उनसे हम बात करेंगे कि एक्चुअल में क्या मामला था, वो पंजाब से यहाँ क्यों आए, कैसे हुआ, गौशाला क्यों खोली और उसके बाद उन्होंने गबन क्यों किया या अगर नहीं किया तो उन पर एलिगेशन क्यों लगे। ये तमाम जो सवाल हैं वो आज से 2.5 साल पहले के हैं, लेकिन आज भी जो गौशाला के अंदर जो कमेटी है उनके भी और आसपास के जो गाँव के लोग हैं, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि दर्जनों गांव के अंदर वो चर्चा का विषय बना था कि 30 लाख रुपए का गबन करके एक पंजाब का शख्स वो भाग चुका है, गाड़ी लेकर भाग चुका है, ऐसा मामला आया था। तो खैर, वो शख्स जो है वो सुरजीत सिंह दीवान आज हमारे साथ है। उनसे हम बात करते हैं, पूछते हैं कि आखिर एक्चुअल में क्या मामला था, क्यों उन पर एलिगेशन लगी। सुरजीत सिंह जी, सबसे पहला सवाल जो है वो यही है कि 2.5 साल पहले आप पर एलिगेशन लगा 30 लाख रुपए का गबन, क्यों गबन किया था, क्या गबन था वो? सबसे पहले तो मैं शुरुआत करेंगे पत्रकार जी, सारी हिंदुस्तान की जनता नु सस्त्रीकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। जिस गौशाला की जिक्र किया गया है 2.5 साल पहला, इस तो पहला भी मैं इस गौशाला में आता रहा, तो थोड़े एरिया में काफ़ी गौशाला में जिक्र चर्चा चलती रही है, काफ़ी गौशाला में पैसे भी लाए हैं। ये गौशाला में मेरा आठ दरिजर कोई बड़ा नहीं, इस तो पहला भी मैं इस गौशाला में आके गए हाँ, पहला भी मैं पैसे लाए हैं इस गौशाला में, लेकिन जब 2019 मैं लग्या भी मैं पॉसिबल है भी मैं पैसे ला सकता, इस दे लिए मैं उस गौशाला वाले कमेटी से बात की है कि मैं पैसे खर्च करना चाहना भी, मेरे को जो है कि मेरी आपकी संपत्ति, कुछ लोग मेरा सहयोग करेंगे। रीजन ये सी भी मैं गौशाला क्यों बनाई है, गौशाला बनाई ता भी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दसवें पासे जो मुंबई उन्हों की वापसी हुई सी, तो कुछ मतलब उत्थे उन्हों का रैस रखी गई सी, उन्हें रास्ते में रुकना पै गया सी। मैंने लग्या भी इतिहास डूंगराना का इतिहास पूरी सिख समाज और पूरी दुनिया के सामने आना चाहिए, वह करके मैं उस गौशाला के बच्चे आगे पैरता है तो आगे शुरुआत की। उत्थे जदों मैं आया सी डूंगराने 2019 जो शुरुआत की, मार्च वाले महीने आया सी, मैं पूरी कमेटी ने कमेटी को गलबात की है, पूरे गाँव वालों के साथ में सहयोग लिया, पूरे 44 गाँव तो गाँव था लुधियाने सॉरी भादर देश के पूरे 44 गाँव थे जिनसे मैंने सहमति ली। उसके बाद मैंने इनसे लिखित भी करवाने की कोशिश की है कि मैं गौशाला बनाऊं तो कम किसी को ऑब्जेक्शन ना हो। इसके अंदर पत्रकार जी मेरा कोई रोल नहीं था, ना मैं कमेटी मेंबर था, ना मैं कोई चेयरमैन था, ना कोई अध्यक्ष था और ना मेरा कोई पद था। केवल तो केवल मेरा सपना था कि मैं इस गौशाला को संपूर्ण बनाऊं और लोगों को बता सकूं कि यहां गुरु गोविंद सिंह महाराज आए थे। नहीं तो उसके अंदर आपने बनाया तो क्या सहयोग किया, गबन का आरोप बाद में लगाया, लेकिन उससे पहले आपने कोई कंट्रीब्यूशन किया इसके अंदर, अपने तरफ से करवाया या किया? इससे पहले जहाँ से शुरुआत की है तो मैं मेरे आपके पास जेब के पैसे, जेब से पैसे लाए हैं और गबन का कोई ऐसा कोई चक्कर नहीं था। जब से शुरुआत हुई है मैं कैश पैसे देता रहा, सामान लेता रहा, काम चालू कर लिया। थोड़े दिन निकले मैंने सोचा भी शायद पूरी संपूर्ण गौशाला बन गया है तो ठीक है, मैंने पीछे से जगह भी खाली करवाई, साफ करवाई, एक दो बाड़े बड़े हुए थे जो गाँव मतलब जिनकी गायें थी 12,000 के करीब गायें हो चुकी थी, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं था, जगह बहुत छोटी थी। मैं चाहता था कि इस गांव इस भादरा तहसील की सबसे बड़ी गौशाला हो सके राजस्थान में सबसे बड़ी हो सके हिंदुस्तान में सबसे बड़ी गौशाला हो, ये सपना लेके मैं वहां पे एक भक्ति के तौर पे शुरुआत की थी। उसके बाद मैं 10 या 12 बाड़े बनाए होंगे, चारों के लिए बनाया, 4 बोरिंग करवाए भी पानी आसपास के गाँव के अंदर पूर्ति हो सके, मलसीसर से लेके मुनसरी गुजासरी इतने तक मैं सोचा सी भी इतने पानी की लाइनिंग भेजी जाए ताकि लवे तवे जो पानी है पानी नहीं है जिस गाँव के अंदर, उसके लिए वहाँ मीठा पानी था। मैं सोचा भी सारे पिंडा विच हल्का हल्का पानी सारे दिता जाए जिदे विच किसी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है जी। 300x300 का जोड़ जो तला बनाना चाह रहा सी मैं, पूरा पिंड का पानी इकट्ठा हो जाए, उत्थे फिल्टर मशीन लग जाए ताकि पानी को आने वाला समा विच किसी को परेशानी ना हो। गौशाला जो बनाई है वो आपके सामने पत्रकार जी, आप वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हो, दुनिया भी जाके चेक कर सकती है, ये कोई सवाल करता है तो जाके भी ले सकता है। जो गबन की बात रही है तो गबन का बात यह है कि जब मैं यहाँ से चला गया, मेरे परिवार में मेरी बेटी की डेथ हो गई, 20 साल की बेटी क्या होती है आपको सबको पता ही है,
उसके बाद में 3 दिन बाद मेरे पास बोला भी चलो जी लेबर रुक गई, काम नहीं है। मैंने सारा कुछ बहुत कुछ करके गया था, सब कुछ हिसाब किताब करके गया था गौशाला में, फिर भी पैसे दे के गया था मैं, लेकिन पीसी बोला जी काम नहीं है, काम रुक गया है। उसके बावजूद भी 23 तारीख को शाम को जो अध्यक्ष गौशाला का अध्यक्ष है उसको मैं खाटू श्याम जी से 6 लाख रुपये भिजवाए हैं कि भाई तू लेबर को दे दे, कोई चक्कर नहीं, काम नहीं रुकना चाहिए। इन्होंने 27 तारीख को मैंने कॉल किया भी थोड़ी जी FIR हो चुकी है जी, पेश हो जाओ। उसके बावजूद भी मैं पेश होने जयपुर आ गया, मैं विधायक जी को गल की भी मैंने पेश करवा दो, कोई चक्कर नहीं, मैं तो एलिगेशन तो लगे कोई नहीं, आपस पेश हो जाओगे। लेकिन विधायक जी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। जो एंटी विधायक कॉमरेड सी बलवंत सिंह पुनिया उन्होंने मैंने FIR करवा के धोखेधड़ी के साथ मेरे को अंदर करवा दिया। वो धारा जो कभी बनी नहीं सकती, ठीक है जी, कई नाम परिचित करके फलाना है टिमका है जो भी है वो परिचित करके मैंने अंदर करवाता ने कई धारा लगवाती। उसके बावजूद भी एलिगेशन लगते रहे, कभी 50 लाख का कभी 30 लाख के, जबकि सच्चाई ये थी कि उस गौशाला के अंदर जो भी पेमेंट गौशाला के खाते से निकली है उसका केवल के केवल ब्यूरो अध्यक्ष के पास में रहता है, जो कभी 30 लाख के खाते में आए ही नहीं थे। एलिगेशन का राज ये था कि मैं यहाँ से चला गया, यदि एलिगेशन मेरे से लग जाए हुए तो गांव वाले ये कह सकते हैं कि हमने गौशाला बनाई है, जबकि पूरी हिंदुस्तान के अंदर ये जान चुके थे लोग कि बाबा जी ने गौशाला बनाई है और मुझे बाबा जी नाम भी ही गौशाला से ही मिला है। नहीं तो आप पे एलिगेशन लगे हैं तो वजह क्या मानते हैं आप, क्यों लगे हैं ऐसा? अगर आप इतना कुछ अच्छा कर रहे थे समाज के लिए, उस गांव के लिए, एरिया के लिए, इतनी आपने अच्छी विचारधारा थी आपकी, तो फिर एलिगेशन क्यों लगे फिर आप पे? पत्रकार जी आपको पता ही है कि गांव के अंदर कुछ लोग होते हैं जिसकी सोच ये होती है कि भी ये नहीं होना चाहिए। कुछ विधायक एंटी थे, लोग मुझे पार्टी के साथ में जोड़ने लगे थे कि ये बीजेपी से जुड़ा हुआ है, आम पार्टी से जुड़ा हुआ है, फलाणी पार्टी से जुड़ा हुआ है, जबकि सच्चाई ये थी कि मैंने आज तक वोट दिया ही नहीं किसी को। पार्टी गांव के अंदर कुछ लोग ऐसे थे कि वो चाहते थे कि मुझे सरपंच बना दे और मैं सहयोग कर दूं तो शायद वो निर्विरोध सरपंच बन सकते, लेकिन मैंने उसको लिए एग्री नहीं हुआ। एलिगेशन लगने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि मैं उस पार्टी का साथ नहीं दिया, नहीं दिया पार्टी का साथ, तो उनके अंदर जो जो सरपंच बनना चाह रहा था उसने पहले मुझे ऑफर दी कि मैं 15 लाख रुपये गौशाला में लगा दूंगा, अब मुझे सरपंच निर्विरोध बना दो। मैंने कहा कि मैं सरपंच नहीं बनूंगा, मेरा कोई मतलब नहीं है इसके अंदर, ना मैं किसी का प्रचार करूंगा। गौशाला है आपके भादरा तहसील की, जितनी भी गौशाला है सभी गांवों के अंदर गया हूँ, सभी गौशाला में मैं विजिट की है, सभी गौशाला के अंदर जो मेरी से हो सके वो सेवा की है। एलिगेशन केवल तो केवल सरपंच है कि जीत या सरपंच को सपोर्ट देने की वजह, जो उपाध्यक्ष राम कुमार नायब तहसीलदार नायब जो सरपंच बनना चाह रहे थे और एक मणिराम जी मूड, ये आपस में जो इनकी दरार थी वो इन्होंने मेरे ऊपर आके देखी भी काम गांव का प्रोग्रेस ना हो, या रोकना चाह रहे थे या मुझे एलिगेशन ला के ये कि भी इस गांव से चला जाए, हो सकता है इनको ये भी होगी इन्होंने भी आगे आने वाले समय भी मैं वहाँ पे कब्जा ना कर लूँ या कोई और बात ना हो, ये सब घुमा फिरा के इसके लिए ना सरपंच जो इसका जो जिम्मेदार है वो अध्यक्ष ही है, क्योंकि उसको डर था भी आने वाले समय भी गौशाला का पूरा बहुत कुछ हो जाएगा तो शायद ये बाबा जी यहीं ना बैठ जाए। तो अब चलो ये चीज़ हो गया, तो उसके बाद में आपकी गिरफ्तारी की बात आई, तो फिर आपने सरेंडर किया या क्या हुआ था, उसके बाद में क्या हुआ? आपने जो FIR दर्ज करवाने वाला बंदा कौन था, अध्यक्ष था या कोई और था? इसमें सबसे पहले अध्यक्ष था और दूसरा जो एलिगेशन लगने का रीजन था, जो मैंने कुछ समय पहले गाड़ी ली थी एक रसलाना से, उसका मैंने चेक दिया था और कुछ पेमेंट दी थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ मुद्दा बनाया उस चीज का कि सिर्फ मतलब जो बदनामी करना शुरू कर दे तो शायद पूरे गांव इकट्ठे होके और मेरे विरुद्ध उतर जाए। जब मेरे को पता लगा कि भादरा तहसील के अंदर मेरे खिलाफ रोड पे नारेबाजी हो रही है और हड़ताल शुरू कर दी है, तो मैं जयपुर आके आप सरेंडर हुआ था। जिस दिन मैं आया था उस रात को मेरे से संजीव बेनीवाल से बात हुई है फोन के ऊपर, उससे पहले जहाँ से मुझे रेजिडेंस वो बताया गया है कलहला तहसील चौमू, वहाँ का जो रेजिडेंस बताया गया है उसके लड़के से मेरी बात हुई थी, हालांकि ऐसा कोई संबंध नहीं था उस परिवार से जिस परिवार से मेरे को जोड़ा गया था। मैंने अपने आप को सरेंडर किया, जयपुर आके फोन किया, मैंने जयपुर पुलिस को बताया कि मैं ऐसे ऐसे मेरे पास घटना हुई है, मैं जाना चाहता हूँ, पेश होना चाहता हूँ। विधायक जी मैंने बोला कि आप भादरा जाओ, हम बैठ के बात कर लेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। और गिरफ्तारी के बाद में तो आपको पता ही है, गिरफ्तारी जब हुई मेरी तो कुछ गांव वाले थे, विधायक जी आप भी आए थे वहां पे, विधायक जी ने बोला कि आप बैठ के हिसाब कर लेते हैं, लेकिन गांव में कोई भी पूरी तहसील में कोई आदमी नहीं था जो ये कह सके भी बैठ के हिसाब कर लेते, क्योंकि बैठ के हिसाब करते पत्रकार जी तो शायद दुनिया के सामने वो आ सकता था जो सच्चाई मैं जानता था या गाँव वाले जानते। तो चलिए ये
अभी पार्ट वन के अंदर आपने ये कुछ जाना है, अब ये जो केस दर्ज हुआ उसके बाद में इनके साथ क्या हुआ वो पूरा हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे, और इन्होंने जो बात कही है उससे आप कितना सरोकार रखते हैं वो आप कमेंट करके जरूर बताएं। अपनी न्यूज़ के लिए कैमरा सहयोगी के साथ मैं हनुमान पूनिया।